Hello students, welcome back to the Benchers IQ concept made simple. लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था ब्लड के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। थोड़ा सा उसको अपन रिवाइज करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, ब्लड जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला इस प्लाज्मा जो 55% होता है और दूसरा होता है कॉर्पोसेल्स जो 45% होते हैं। प्लाज्मा 55% एंड कॉर्पोसेल्स इज 45%। कॉर्पोसेल्स के अंदर अपने पास में एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। आज अपन इन कॉर्पोसेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे और आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट। ब्लड के दो पार्ट्स थे जो अपन ने पढ़ा था। पहला था प्लाज्मा जो है वो 55% था अपना, जिसके बारे में अपन ने पूरा डिटेल लास्ट वीडियो में लिया था। इसके बारे में अपन ज़्यादा डिस्कस अभी करेंगे नहीं। अपन अभी डिस्कस करेंगे ब्लड के कॉर्पोसेल्स के बारे में। कॉर्पस सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉर्पस सेल्स के अंदर अपने पास में था सबसे पहला आरबीसी, दूसरा अपने पास में था डब्ल्यूबीसी और तीसरा अपने पास में था प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी क्या कहते हैं? आरबीसी को स्टूडेंट्स आपको सबको पता है क्या कहते हैं, पिछली बार आपको अच्छे से समझाया गया था। इट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं अपन? डब्ल्यूबीसी को अपन कहते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, जो शायद मैंने लास्ट वीडियो में स्किप कर दिया था फ्लो में। अभी अपन इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, वेरी इजी। आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट होता है तो मुझे बताइएगा। जैसे कि पिछली बार एक कमेंट में मुझे मैसेज किया गया था कि सर आपने इनके नाम तो बता दिए थे, प्लेटलेट का नाम आप भूल गए बताना, तो अभी मैं बताता हूँ। उसको कहते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट। ओके, चलिए अभी अपन पहले पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आरबीसी की सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, अपन उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है उसका शेप। ओके, शेप। आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉनकेव है। बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर इस तरह से दोनों साइड से गोल और बीच में से सुकड़ा हुआ बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। साथ में बाइकॉनकेव होने के साथ में ये राउंड भी होता है, यानी आरबीसी के अगर शेप के बारे में बात की जाए तो वो राउंड होता है और बाइकॉनकेव होता है। कैसा होता है? राउंड एंड बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है आरबीसी का। आरबीसी का कलर, अभी आप सब लोग बोलेंगे कि सर बहुत आसान है, आपने बताया था रेड ब्लड सेल्स रेड कलर का होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट को सीखेंगे समझेंगे तभी तो अपन होशियार बनेंगे। ट्विस्ट ये है कि सिंगल अगर सेल को देखा जाता है तो वो थोड़ी सी येलोइश सी होती है, और अगर ग्रुप में जो सेल्स अपन देखते हैं अगर उनको देखा जाए तो वो रेडिश कलर का होता है। ओके, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंगल सेल आरबीसी का कलर तो आप येलोइश लिखेंगे, लेकिन अगर ग्रुप में आरबीसी का आके आरबीसी का कलर क्या होता है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप येलो नहीं लिखेंगे। आपने येलो नहीं लिखना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। स्पेशली आपने रेड लिखना है या फिर रेडिश लिखना है। ओके, आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव होता है, आरबीसी राउंड होती है, आरबीसी का कलर जो है वो येलोइश होता है और उसका अगर ग्रुप में देखा जाए यानी रेडिश कलर का होता है आरबीसी का कलर। चलिए आगे देखते हैं अपन आरबीसी की क्वांटिटी कितनी होती है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी? ओके, एक प्रॉपर्टी और है जिसके बारे में अपन पहले बात करेंगे। अभी मैंने बोला कि आरबीसी की क्वांटिटी कितनी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो एक पॉइंट दिमाग में पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं, वो ये है आरबीसी का जो दूसरी प्रॉपर्टी वो ये है कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड। सर नॉन न्यूक्लिएटेड क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को अपन हिंदी में कहते हैं केंद्रक, यानी सेल का केंद्रक, यानी सेल का केंद्र। तो जो भी सेल्स होती है वो जरूरी नहीं है कि वो सब न्यूक्लिएटेड हो, यानी जिसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट हो, जो आपको सब आप पढ़ेंगे आगे बायोसेक्शन के अंदर या सेल बायोलॉजी के अंदर। इसी तरह से आरबीसी उन सेल्स में आता है जो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अभी दो एक्सेप्शन ऐसे हैं जो आपने ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते रहता है और ये भी सबको लगभग रटे हुए हैं कि दो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कैमल एंड लामा, कैमल एंड लामा दो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आता है कैमल एंड लामा का आरबीसी कैसा होता है, ऑप्शंस में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, ऐसे अलग अलग दिए गए हैं। आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सी आरबीसी, किसकी आरबीसी में? कैमल्स और लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड, जो ह्यूमन बॉडी है अपनी, ह्यूमन बॉडी उसके अंदर इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ओके चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, अपन इधर लिख देते हैं इसको, चलिए ओके। अभी अपन ह्यूमन बॉडी वाला हो गया पोर्शन, अभी अपन आगे देखते हैं इसकी क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी किसकी? आरबीसी की क्वांटिटी क्या होती है? तो मेल्स के अंदर ये होती है 5 मिलियंस। कितनी होती है? 5 मिलियंस पर यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है। देखो 5 मिलियंस तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन 5 मिलियंस क्या सर? 5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। और अगर फीमेल्स के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक नॉर्मल 72 kg ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है मेल में, और फीमेल्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा स्लाइडली कम होता है, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से वो लॉस करती हैं और दूसरा एनीमिक होती हैं, इसलिए थोड़ा सा कम होता है। तो थोड़ा सा कितना कम होता है? वो होता है 4.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। 4.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब होता है। अब यही अगर अपन बच्चों के बारे में बात की जाए, इन्फेंट्स के बारे में बात की जाए, तो इन्फेंट्स के अंदर ये थोड़ा ज़्यादा होता है, विच इज़ 7 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, बच्चों के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है आरबीसी। ओके चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। ये अपन ने देख लिया कि दिस इज़ द क्वांटिटी। पहले अपन ने पढ़ा शेप क्या होता है, फिर देखा अपन ने कलर क्या होता है, फिर कैसा होता है, न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, अपन ने क्वांटिटी देखा। अभी अपन थोड़ा सा कलर के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। कलर उसका रेड क्यों होता है? वाई आरबीसी इज़ रेड इन कलर। आरबीसी के रेड कलर होने का कारण है उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस होने की वजह से वो रेड कलर की होती है। ओके, तो हीमोग्लोबिन ये रेड कलर देता है। ओके, अभी अपन सर ये हीमोग्लोबिन है, ये रेड कलर क्यों देता है, इसका क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो उसके लिए इसको अपन फिर से दो पोर्शन में तोड़ लेते हैं। तो जो ग्लोबिन है वो होता है प्रोटीन, ग्लोबिन इज प्रोटीन पार्ट, एंड हीम जिसकी वजह से मेन कलर आता है विच इज आयरन, विच इज आयरन। तो हीम पोर्शन जो है हीमोग्लोबिन में वो आयरन होता है, और ग्लोबिन पोर्शन जो है दैट इज द प्रोटीन पोर्शन, ग्लोबिन इज द प्रोटीन पोर्शन। चलिए अभी अपन हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी अगर एक एडल्ट मेल के अंदर देखा जाए तो 15 से 17 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। कितना? 15 से 17 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। और इसी तरह से एक एडल्ट फीमेल के अंदर देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फीमेल्स ब्लड लॉस करती हैं थोड़ा सा, तो वो उसकी वजह से ये कितना हो जाता है, ये इसका रेशियो जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, दैट इज़ 13 टू 15 ग्राम्स पर 100 ml होता है। ओके, एडल्ट मेल के अंदर ज़्यादा होता है, एडल्ट फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। ओके, मान लेते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन आपका इससे भी कम जा रहा है या और कम हो चुका है, अगर इतना हीमोग्लोबिन कम है या बहुत ज़्यादा कम है या 10 पे आ जाता है, मान लेते हैं कि दोनों की मिनिमम वैल्यू 10 पे आ गई है, तो इसका मतलब है कि आपको एक बीमारी है जिसको अपन कहते हैं एनीमिया। एनीमिया नाम की बीमारी आपको हो गई है, जिसका मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड या डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ब्लड की कमी या आरबीसी की कमी कहा जाए तो ज़्यादा बेटर है, या फिर ब्लड की कमी कहते हैं अपन ओवरऑल में, उसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया जो डिजीज़ है उससे बचने के लिए आपने क्या करना चाहिए, आपने आयरन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो आयरन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या मतलब होता है, ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें आयरन ज़्यादा हो, आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। जैसे कि एग्जांपल्स अपना गुड़, जिसको अपन कहते हैं जैगरी, गुड़। ओके, जैगरी। दूसरा एग्जांपल क्या है अपना, दूसरा एग्जांपल इज़ अनार। ओके, इंग्लिश में जिसको कहते हैं अपन पोमेग्रेनेट, और एप्पल इज़ द मोस्ट रिच फ्रूट इन आयरन। वेजिटेबल्स की अगर अपन बात की जाए तो वेजिटेबल्स के अंदर अपने पास में है पालक या फिर स्पिनच, जिसको अपन कहते हैं। आप इनकी सेवन ज़्यादा करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, आपको एनीमिया नाम की बीमारी नहीं होगी। एनीमिया तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी अपन इसके आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले अपन कुछ जगह बना लेते हैं। यहाँ तक आप आई होप आपको समझ में आया है, और नहीं समझ में आया तो हमारा कमेंट सेक्शन हम बंद नहीं करते हैं, ऑलवेज़ खुला रहता है, हमेशा खुला है। आप स्टूडेंट्स के लिए आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, टॉपिक के बारे में कभी भी पूछ सकते हैं, और हमारे नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल अटेंशन। ओके, वैसे कमेंट करिए ताकि दूसरे लोगों को भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी, एरिथ्रो, अब तो यार ये सबको याद हो गया, बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अपन ने सबसे पहले देखा कि उसका कलर क्या होता है, अपन ने देखा उसका शेप क्या होता है, अपन ने देखा वो कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है कि नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, अपन ने देखा क्वांटिटी क्या होती है, अपन ने देखा कि रेड कलर क्यों आता है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी क्या होती है, अपन ने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। अब अपन ने जो नहीं देखा है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, वो है इसका आरबीसी का प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आरबीसी का कहाँ होता है, और डिस्ट्रक्शन। ओके, प्रोडक्शन जो है आरबीसी का, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो में, और कुछ पोर्शन इसका जो प्रोड्यूस होता है वो होता है लीवर के अंदर। तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होता है रेड बोन मैरो में और लीवर के अंदर। अभी आप कहेंगे कि सर एक डाउट है, क्या डाउट है, इसको काट देना इस लाइन को। ओके, रेड बोन मैरो में होता है और लीवर के अंदर होता है। ये किसका होता है, ये एक एडल्ट, एडल्ट का होता है। अगर अपन इन्फेंट की बात करते हैं, यानी बच्चों की, यानी नवजात शिशु की अगर अपन बात करते हैं, तो उसके अंदर सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर के अंदर होता है, रेड बोन मैरो नहीं होता है बच्चों के अंदर। इस वजह से सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो लीवर के अंदर होता है। नाउ डिस्ट्रक्शन, आरबीसी डिस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन, कितने दिन में होता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन? सर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो है 120 डेज के अंदर पूरा हो जाता है। ओके, 120 दिन के अंदर एक हेल्दी सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है। नाउ ये कहाँ पर होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन के अंदर। कहाँ पर होता है ये, स्प्लीन के अंदर होता है। प्रोडक्शन जो होता है वो रेड बोन मैरो के अंदर या लीवर के अंदर होता है एक एडल्ट में, और बच्चों के अंदर इन्फेंट्स में होता है, और डिस्ट्रक्शन जो है वो स्प्लीन के अंदर होता है। और कितने दिन में होता है, दैट इज 120 डेज के अंदर होता है। ग्रेट, चलिए छोटा सा रिवीजन वापस से। आरबीसी, आरबीसी कैसे शेप की होती है, सर्कुलर शेप की होती है, और कैसे शेप की होती है, बाइकॉनकेव शेप की होती है। सर्कुलर शेप है, बाइकॉनकेव शेप है। बाइकॉनकेव शेप क्यों होता है उसका, सरफेस एरिया ज़्यादा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा और वो पूरी बॉडी के अंदर ले जा पाएगा इजीली। कलर क्या होता है, रेड कलर होता है, कलर रेड कलर होता है। और रेड कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड कलर का होता है। कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। क्वांटिटी कितनी होती है, 5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब, 5 मिलियंस याद रखिएगा, यूनिट जरूर याद रखनी है पर मिलीमीटर क्यूब। प्रोडक्शन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है, बच्चों के अंदर लीवर के अंदर होता है, एडल्ट के अंदर भी कुछ पोर्शन लीवर के अंदर होता है। डिस्ट्रक्शन जो होता है वो 120 डेज में होता है और कहाँ होता है? स्प्रीन के अंदर होता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अभी अपन पढ़ते हैं आगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी को अपन क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी अपना हो चुका है, अपन इसको पूरा ही हटा देते हैं। अब अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ओके, क्या बताया था आपको कैसे होते हैं? ये वाइट कलर के होते हैं। डब्ल्यूबीसी कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? इनको अपन कहते हैं डिफेंस सिस्टम। क्या कहते हैं? डिफेंस सिस्टम। बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है या किसी भी तरह का कोई दूसरा पैरासाइट आ रहा है, उसको कौन रोकता है? उसको रोकने का सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, जिसे अपन कहते हैं डब्ल्यूबीसी या फिर डिफेंस ऑफ द बॉडी या फिर डिफेंस ऑफ द बॉडी। वाइट कलर का होता है, ये डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का। इसका एक फिक्स रेशियो होता है, क्वांटिटी होती है इसकी एक फिक्स रेशियो। क्वांटिटी कितनी होती है? जैसे कि अपना आरबीसी था जो 5 मिलियंस था, इसी तरह से ये 6,000 to 8,000 होता है। 6,000 to 8,000 होता है। यूनिट मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। कितना होता है क्वांटिटी? 6,000 से 8,000 मिलीमीटर क्यूब होती है इसकी क्वांटिटी। ये इतना कम है और अपना आरबीसी जो है वो 5 मिलियन है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि बॉडी के अंदर एक रेशियो बनाना बहुत ज़रूरी है। डब्ल्यूबीसी का रेशियो बहुत ज़रूरी है। किसका? डब्ल्यूबीसी का और आरबीसी का। जो आरबीसी हैं वो ज़्यादा होते हैं और डब्ल्यूबीसी जो है वो कम होते हैं। डब्ल्यूबीसी होता है 1, डब्ल्यूबीसी होता है 1 और ✖600 जो रेशियो है वो 1:600 है। 1 इज़ फॉर डब्ल्यूबीसी एंड 600 इज़ फॉर आरबीसी। ऐसा क्यों? डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है कि बाहर से कोई भी पैरासाइट आ रहा है उसको वो खा जाता है, उसको वो एनगल्फ कर जाता है, खा जाता है उसको। अभी मान लेते हैं कि आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है, मान लेते हैं कि आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है। तो डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है? किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अपन ने देखा था कि रेशियो होता है 1:600, यानी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कम होती है, आरबीसी ज़्यादा होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि पैरासाइट को खाना। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो डब्ल्यूबीसी के बढ़ने का कारण की वजह से डब्ल्यूबीसी क्या करती है? आरबीसी के ऊपर अटैक कर देती है, आरबीसी को खाने लग जाती है। तो आरबीसी को खाने लग जाएगी तो फिर डब्ल्यूबीसी की आरबीसी को कम कर देगी, आरबीसी को कम कर देगी तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा। चलिए एक चीज़ और, अगर डब्ल्यूबीसी का एबनॉर्मल इंक्रीज़ होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तो उसको अपन कहते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्यों होता है? डब्ल्यूबीसी का एबनॉर्मल इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, उस वजह से ल्यूकेमिया हो जाता है अपने को या फिर ब्लड कैंसर हो जाता है अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आई होप डब्ल्यूबीसी आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक आपने देखा था कि रेशियो जो है वो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का कितना होता है? 1:600 होता है। आगे अपन देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जो है वो शेप कैसा होता है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी का जो शेप है दैट इज़ राउंड, यानी गोल होता है वो, और साथ में इररेगुलर भी होता है। कैसा होता है? राउंड होता है और इररेगुलर होता है। राउंड होता है और इर्रेगुलर शेप का होता है। आपने देखा डब्ल्यूबीसी के अंदर वाइट कलर होता है, डिफेंस सिस्टम होता है वो अपनी बॉडी का, उसकी क्वांटिटी 6,000 से 8,000 होती है मिलीमीटर क्यूब। यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा। रेशियो उसका 1:600, शेप उसका इर्रेगुलर। ओके, चलिए आगे देखते हैं अपन। अभी इसका जो है प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, शेप्स के बाद में अपन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अपन ने जैसे आरबीसी के अंदर देखा था कि आरबीसी जो है वो एक नॉन न्यूक्लिएटेड है, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन दो एक्सेप्शन जो आपको बताए गए थे, कैमल और लामा, जिसके अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक प्रेजेंट होता है। अगर अपन डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो उसका जो सेल है, अगर उसके सेल की बात की जाए तो इसके अंदर न्यूक्लियस यानी आपका जो केंद्रक है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी केंद्रक प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर, लेकिन आरबीसी के अंदर नहीं होता है। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो न्यूक्लियस प्रेजेंट, आरबीसी की बात की जाए तो न्यूक्लियस नहीं होता उसके अंदर। ओके, इसके अंदर सेल की दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि साइटोप्लाज्म, जो अपनी सेल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और वो डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी मैंने साइटोप्लाज्म के बारे में आपको थोड़ा इसलिए बताया है कि जो अभी आपके आगे काम आएगा, इसलिए आपको पता होना ज़रूरी होता है कि साइटोप्लाज्म होता है। नहीं तो क्वेश्चन रिलेटेड अगर अपन बात की जाए, एग्जाम रिलेटेड अगर अपन बात करते हैं तो सिर्फ सेल का होना, सेल के अंदर न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना ही सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर साइटोप्लाज्म होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी अपन आगे देखेंगे। चलिए, अपन ने देख लिया कि शेप क्या होता है, सेल कैसा होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस इसका प्रेजेंट होता है। अभी अपन आगे देखते हैं कि इसका प्रोडक्शन, यानी डब्ल्यूबीसी जो है इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन होता है एडल्ट के अंदर रेड बोन मैरो के अंदर, या फिर लिवर के अंदर कुछ पोर्शन उसका, और बच्चों के अंदर इन्फेंट यानी नवजात शिशुओं के अंदर वो लिवर के अंदर होता है। इसी तरह से डब्ल्यूबीसी का जो प्रोडक्शन है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड जो होता है अपना, उसके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है, या फिर और कुछ मात्रा इसकी जिसको अपन टॉन्सिल्स कहते हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, या फिर थाइमस ग्लैंड में प्रेजेंट होता है प्रोडक्शन इसका, या फिर टॉन्सिल्स के अंदर जिसको कहते हैं अपन उसके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। अभी प्रोडक्शन के बारे में तो बात हो गई, अब अपन बात करते हैं डिस्ट्रक्शन के बारे में। तो देखिए, डिस्ट्रक्शन जो है वो पूरे ब्लड का एक ही जगह पर होता है, इसलिए बार बार इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। डिस्ट्रक्शन जो है वो स्प्लीन के अंदर ही होता है, स्प्लीन के अंदर ही होता है डिस्ट्रक्शन। प्रोडक्शन इज इन थाइमस ग्लैंड और टॉन्सिल्स, डिस्ट्रक्शन जो है वो स्प्लीन के अंदर ही होता है, इसीलिए अपन स्प्लीन को कहते हैं ग्रेव यार्ड। क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड, ब्लड का ग्रेवयार्ड है। ओके, स्प्लीन क्या है? ब्लड का ग्रेवयार्ड है। जो भी ब्लड है अपना, जितना भी ब्लड है वो सब डिस्ट्रक्शन होगा स्प्लीन के अंदर। कहाँ होगा? स्प्लीन के अंदर। चलिए, एक छोटा सा रिवीजन। डब्ल्यूबीसी ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स उसको भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। क्या होता है ये? डिफेंस सिस्टम होता है अपनी बॉडी का। क्या होता है? डिफेंस सिस्टम होता है। क्वांटिटी कितनी होती है? 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब। कितनी? 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब, 6000 से 8000। रेशियो कितना होता है? 1:600। रेशियो ऐसा क्यों होता है? अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाएगी यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा तो आपको ब्लड कैंसर हो रहा है या ल्यूकेमिया हो रहा है, और अगर इतना एबनॉर्मल इंक्रीज है तो वो क्या करेगा? वो आपकी आरबीसी को खाने लग जाएगा। इसलिए डब्ल्यूबीसी कम है बॉडी के अंदर। शेप कैसा होता है? राउंड होता है और इरेगुलर होता है। सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है? उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। प्रोडक्शन कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में होता है और टॉन्सिल्स में। डिस्ट्रक्शन पूरे ब्लड का स्प्लीन के अंदर। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन और डब्ल्यूबीसी को और डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डब्ल्यूबीसी पूरे ब्लड के अंदर भी, क्योंकि वो एक डिफेंस सिस्टम है। क्या है वो? एक डिफेंस सिस्टम है। तो डिफेंस के ऊपर हमेशा डिस्कशंस जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, ज़्यादा होते हैं और डिटेल में होते हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी का जो फर्दर डिवीजन है वो होता है ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट। नाम से पता चल रहा है ग्रेन्यूल वाले सेल्स हैं। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स मतलब साइट्स मतलब सेल्स, बिना ग्रेन्यूल्स के सेल्स हैं। ओके, अब अपन आते हैं वापस पहले वाले के पार्ट में, जहाँ पे मैंने आपको सेल की प्रॉपर्टी के अंदर बताया था कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म का यहाँ पर आता है, इसका ग्रेन्यूलोसाइट्स का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। कैसे होते हैं? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर एक ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स granules, एब्सेंट होते हैं। कैसे होते हैं? एब्सेंट। यहां पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर एब्सेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी का फर्दर डिवीजन, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, ए ग्रेन्यूलोसाइट, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। ओके, अभी अपन आगे देखते हैं इसके अंदर फर्दर डिवीजन क्या होते हैं। तो इसके जो फर्दर डिवीजन होते हैं वो होते हैं इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तीन तरह के सेल्स ल्यूकोसाइट्स के अंदर और बढ़ गए, ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इओसिनोफिल्स कितना परसेंट होता है? 2.5%, 2.5% होता है। कितना होता है इओसिनोफिल्स? 2.5% होता है। बेसोफिल्स कितना होता है? सिर्फ 0.5%, यानी 0.5%, जस्ट 0.5%, 0.5% होता है। और सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स, जो होता है 65%, यानी 65% होता है। इओसिनोफिल की अगर बात की जाए तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अपन। इओसिनोफिल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इओसिनोफिल जो है आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, कोई भी एलर्जी हो रही है, आपको छींक आ रही है, आपको किसी तरह का और एलर्जी हो रहा है, तो उसके अंदर इओसिनोफिल आपका बढ़ जाएगा। और ये इओसिनोफिल आपकी कोई भी एलर्जी से लड़ने के लिए काम आता है। कोई भी तरह की एलर्जी है, वो किससे लड़ेगा? इओसिनोफिल लड़ेगा। कौन लड़ेगा एलर्जी से? इओसिनोफिल लड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इओसिनोफिल इज फॉर एलर्जी। अगर किसी तरह की कोई भी एलर्जी है, अगर आप ब्लड की जांच कराते हैं, ब्लड टेस्टिंग करवाते हैं, तो यू विल फाइंड कि इओसिनोफिल आपका बढ़ा हुआ है। बेसोफिल, बेसोफिल क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? बेसोफिल आपके बॉडी के अंदर स्किन होती है, स्किन जो है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी आपको कोई फुंसी हो रही है, कोई पिंपल हो रहा है, या अनदर कोई भी स्किन रिलेटेड कोई इशू हो रहा है, तो वो बेसोफिल का डिफेंस मैकेनिज्म का एरिया है। देखो, सब डिफेंस का अलग अलग एरिया होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही डिफेंस है जो कभी नॉर्थ जा रहा है, कभी साउथ जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। सबका अलग अलग बॉडी के अंदर काम दिया गया है। उसी तरह से जो इओसिनोफिल है उसका काम है एलर्जी से लड़ना, बेसोफिल है उसका काम है स्किन रिलेटेड इश्यूज़। ओके, नाउ आते हैं पर न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स जो है वो मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कैसा होता है? मोस्ट अबंडेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स के भी फर्दर दो डिवीजन हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है लिम्फोसाइट्स। क्या आता है सबसे पहला? लिम्फोसाइट्स। और दूसरा आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो है वो लार्जेस्ट सेल है डब्ल्यूबीसी का। क्या है? लार्जेस्ट सेल है डब्ल्यूबीसी का। मोनोसाइट में क्या होता है? लार्जेस्ट सेल है डब्ल्यूबीसी का। लिम्फोसाइट की प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो ये किसी भी तरह के माइक्रोब्स हैं या कोई तरह का पैरासाइट आ रहा है बॉडी के अंदर, ये उससे लड़ता है। कौन लड़ता है? लिम्फोसाइट लड़ता है। किससे लड़ता है? कोई भी तरह का माइक्रोब है या पैरासाइट है, उससे लड़ेगा लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट जो है वो लार्जेस्ट सेल है किसका? लार्जेस्ट सेल है बॉडी का। बॉडी का कौन सा पार्ट का? डब्ल्यूबीसी का। ब्लड का कौन से पार्ट का? डब्ल्यूबीसी का जो है वो लार्जेस्ट सेल होता है। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? लिम्फोसाइट जो होता है वो 26% होता है, और मोनोसाइट जो होता है वो 6% होता है, यानी 6% जो है वो जस्ट मोनोसाइट है, और लिम्फोसाइट इज 26%। कितना है? 26% है। फर्दर डिवीजन एक बार वापस देख लेते हैं शॉर्ट में फटाफट। डब्ल्यूबीसी ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में डिवाइड होता है। ग्रेन्यूलोसाइट्स मतलब जिसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स मतलब जिसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं। फर्दर डिवीजन इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट का फर्दर डिवीजन इज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप कमेंट करिए और आपके लिए वीडियो वापस बनाया जाएगा आपके डाउट का क्लियर का। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। डब्ल्यूबीसी अपन ने पढ़ लिया है, अपन इसको हटा देते हैं। और अब एक लास्ट पार्ट आरबीसी हमें आता है, डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ लिया, वो भी हमें आता है। अब देखते हैं अपन जो लास्ट पार्ट है वो है प्लेटलेट्स, विच इज़ कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट एंड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, आपको डेंगू होता है, आपका प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है, डेंगू होता है, आपका प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होगा, और भी बहुत सारी डिजीज हैं जिसमें प्लेटलेट इन्वॉल्व हैं। अब बुला लिया गया प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में अपन देखते हैं। प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का और ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी होती है तो बहुत सीरियस कंडीशंस होती हैं, आपको डेंगू हो सकता है अगर आपका प्लेटलेट कम है, या फिर कहें तो अगर आपको डेंगू है तो आपका प्लेटलेट जो है वो फॉल हो सकता है। अभी प्लेटलेट जो है उसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बो का मतलब होता है, थ्रोम्बो का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। अभी साइट्स का मतलब सेल्स, आपको पता ही है। अगर प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स की इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, वो ब्लड को फ्लो होने लग जाएगा, ब्लीड अपने आप होने लग जाएगा अंदर ही, और जो बहुत ही फैटल कंडीशन है, यानी बहुत ही जानलेवा कंडीशन है, उससे आपकी कोई भी फैटल डिजीज़ हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। ओके, तो प्लेटलेट्स का अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपने को अपन देखते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी इज 1.5 लाख्स टू 4 लाख्स। कितनी होती है? 1.5 लाख से 4 लाख होती है इसकी क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा अच्छे से। 1.5 लाख टू 4 लाख इसकी क्वांटिटी होती है। चलिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग फैक्टर्स। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं अपने, वो प्लेटलेट से जुड़े हुए होते हैं, या कहें तो प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड, आपको चोट लगी, आपको इमीडिएट चोट लगी, आपके हाथ में कोई कट आता है, आप उसको दबाते हैं, कॉटन से रोक के रखते हैं, कुछ सेकंड्स बाद अपन हाथ हटाते हैं या कॉटन हटाते हैं तो देखते हैं ब्लड अपने आप रुक गया है। ब्लड अपने आप रुक गया है, क्यों रुका है? क्योंकि खून क्लॉट हो चुका है, खून का थक्का बन गया है और खून ने अपने आप को रोक लिया है बहने से, वेस्ट होने से। वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ दी प्लेटलेट्स। किस वजह से? बिकॉज ऑफ दी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। अभी क्लॉटिंग फैक्टर क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा जाएगा, उनके एंटीजेंस के बारे में भी पढ़ा जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद बेंचर्स IQ। थैंक यू।